ये बंद गोभी का एक मैं पीस आज अम्बाला से लेके आया हूँ, अम्बाला की सब्जी मंडी से लेके आया हूँ। और इसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर अम्बाला में भी ये जो जहर है, चाइनीज़ जहर है, हर जगह फैल चुका है। तो आप देखिए मैं इसको कैसे आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। इस बंद गोभी को देखकर ऐसे लगता नहीं है कि जैसे ये नकली बंद गोभी है, पर आप जब इसे छीलेंगे और आप ऐसे करेंगे, उतारेंगे, तब भी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। पर इसका बहुत ही हैरान कर देने वाला जो चीज़ है वो ये है कि ये जलती नहीं है। और इसमें जो अभी ये ऐसे टूट रही है, जलने के बाद आपको इसके अंदर प्लास्टिक देखिए कैसे नज़र आएगा। जिस पत्ते को इतनी तेज आंच पे जल जाना चाहिए था, आप लोगों के सामने है, देखिए वो जल नहीं रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये पत्ता जल नहीं रहा है। अब ये देखिए, इसको जितनी मर्जी आंच पे हमने तेज पे जला लिया है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अम्बाला कैंट के अंदर से कुछ समय के लिए बंद गोभी ना ही लें। और मैं चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग ऐसे जगहों पर सब्जी मंडी जाकर चेक करे जहाँ पर यह बंद गोभी की सप्लाई हो रही है। ये देखिए इसमें प्लास्टिक किस हद तक मिलाया हुआ है। अब देख सकते हैं कि बंद गोभी फट नहीं रही है और इसके अंदर ये प्लास्टिक देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसमें प्लास्टिक का सर स्तर देखिए। तो मैं चाहूँगा कि एक बार अपने लोकल जितने भी हमारे समाज सेवी संस्थाएं और सब हैं, वो एक बार स्वास्थ्य विभाग और इंस्पेक्टर से कह के कि ऐसी सब्जी मंडियों में जांच करवाई जाए जहाँ पे ये बंद गोभी आ रही है, वरना बालाकंड के अंदर इसका बच्चों पर बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू।